नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम रिटेल काउंटर के रिलेटेड यह वीडियो है, जो आपका रिटेल काउंटर जो भी व्यक्ति चलाते हैं, जो भी व्यापार आप करते हैं, रिटेल काउंटर पर आप रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर को कैसे आप बिल बनाएंगे और साथ में उसमें आपका गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, अमेज़न पे हुआ, इन सब के माध्यम से जैसे 2025 रुपए का बिल बना तो 2025 रुपए का डायनेमिक क्यूआर कोड हम कैसे जनरेट करेंगे। आइए देखते हैं रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर के, माई बिलिंग पैड के रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे यह काम को करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी हमें सेल करने के लिए शॉर्टकट की यह फोर बटन को क्लिक करिए या फिर सेल पैनल पे जाके आप क्लिक करिए। यहाँ पर हम एक बारकोड स्कैन करते हैं, जैसे 0001, 0002 और 0003। फिर उसके बाद हम क्या किए कि आप सेटल बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक कस्टम क्यूआर, एक क्यूआर डायरेक्ट पूरे के लिए है। तो दो तरीके से आप क्यूआर जनरेट कर सकते हैं। जैसे 1650 रुपये का बिल बना, अगर पूरे का अगर आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरे का क्यूआर कोड जनरेट कर लीजिए। तो ये जो क्यूआर कोड स्कैन होगा, गूगल पे, फोन पे, अमेज़न पे, तीनों पे आप स्कैन कर आप पे कर सकते हैं, अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि 1000 रुपये जैसे कैश ले लो, बाकी का 660 रुपये का क्यूआर कोड होना चाहिए, तब यहाँ पे कस्टम क्यूआर कोड बटन पे क्लिक कर आप अपने बिल का भुगतान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से आप क्यूआर कोड जनरेट कर और क्यूआर कोड आप प्रिंट, क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं।